तो बात करेंगे हम स्विच के बारे में। पहले ये है हमारा एसी कूलिंग का स्विच, वार्निंग लाइट, फॉग लाइट और ये इंडिकेटर है जो चार लाइट एक साथ जलता है और बंद होता है आगे पीछे का। ये भी छोटा वाला लाइट है, स्मॉल लाइट। ये टेस्टर है, अगर कोई दिक्कत है किरण में तो इसको लगाने के बाद यहाँ इस पर दिक्कत जो भी है, प्रॉब्लम है किरण में, वो दिखाएगा यहाँ पे क्या दिक्कत है। और ये 4x4 लगाने वाला, अगर इसको दबा करके लगा देंगे तो चारों व्हील काम करने लगेंगे। ये बंद है अभी तो दो व्हील चल रहे हैं आगे के, और ये इंजन बंद करने वाला। ये एसी का है और इधर ये म्यूजिक सिस्टम है। अब बात करें इधर की तो ये है हमारा लाइट, ये लाइट है लेफ्ट राइट इंडिकेटर, ये है लेफ्ट राइट इंडिकेटर। और इसकी बात करें तो इसमें वाइपर है, कंट्रोलर है, आगे कर देंगे तो बंद हो जाएगा और पीछे रहेगा तो कंट्रोलर लगा हुआ रहेगा। और ये है हमारा एक्सेलेरेटर, ब्रेक और साइड में क्लच। इसमें टोटल 10 गियर हैं, चार लो में चार हाई में, एक सी है और दूसरा आर है। पीटीओ सिस्टम ये है, ये इसका पीटीओ है। चार नंबर गियर लगाने के बाद इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे और फिर छोड़ देंगे क्लच तो पीटीओ लग जाएगा हमारा। तो चलिए हम चेक करते हैं पीटीओ लगा करके। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इसमें एक खास है मिरर एडजस्टर के लिए। ये मिरर एडजस्ट करने के लिए इधर इधर ऊपर उठाना है, नीचे झुकाना है, उसके लिए यहाँ पे स्विच है। ये है अभी इधर आर पे है तो उस साइड का राइट साइड का मिरर काम करेगा, इसको लेफ्ट पे कर देंगे तो लेफ्ट साइड का मिरर काम करेगा। इसमें ये ऊपर करने के लिए है, नीचे करने के लिए, राइट रोटेट करने के लिए है और ये इधर से लेफ्ट रोटेट होगा, ये मिरर एडजस्ट करने के लिए। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं वीडियो लगा करके। ये हमारे क्रेन स्टार्ट हो गया, ये है स्पीड मीटर और किलोमीटर ये, और इधर है आरपीएम मीटर और आवर मीटर, ये ऑयल का प्रेशर गेज है मीटर, टेम्परेचर मीटर, ये हमारा फ्यूल मीटर है और ये अल्टरनेटर बैटरी और ये एयर प्रेशर का है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमारा एयर हो गया है, एयर प्रेशर जो है वो हो चुका है। अब पीटीओ लगा करके देखिए, तो पीटीओ लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये क्लच है उसको दबाना पड़ेगा फुल लास्ट तक, और इसका ध्यान रखना है ये नीचे रहना चाहिए हाई लो की जो स्विच है, अगर हाई पे रहेगा तो चार नंबर में नहीं लगेगा। तो क्लच हम दबा चुके हैं और चार नंबर गियर लगाएंगे, चार नंबर गियर लग गया है ये हमारा चार नंबर गियर। अब हमारा ये पीटीओ स्विच है उसको हम बाहर कर लेंगे, ये हम बाहर कर लिए। अब ये देखिए यहाँ पे पीटीओ का सिग्नल नहीं आ रहा है तो क्लच छोड़ते यहाँ पे पीटीओ शो करने लगेगा, ये आ गया, ये हमारा पीटीओ लग गया है। अब हम क्रेन ऑपरेटिंग कर सकते हैं, ये पीटीओ लग गया, क्रेन वर्क करने के लिए रेडी है। ध्यान रखना ये है क्लच दबा करके चार नंबर गियर लगाना और पीटीओ की जो ये स्विच है उसको बाहर कर देना
लग जाएगी 4 नंबर की है। और फिर वैसे ही करना है, क्लच दबा करके इसको अंदर करना है। इसको प्रेस करने के बाद हम अपना गियर का जो न्यूट्रल पोजीशन है उसमें ला देंगे, पीटियो निकल जाएगी। तो हम अब पीटियो निकालते हैं। जैसे कि क्लच दबा चुके हैं हम, गियर ला दिए न्यूट्रल पोजीशन पे, अब ये इसके अंदर कर देंगे। पहले उसको करना चाहिए, इससे भी दिक्कत नहीं है, मगर पहले उसको अंदर करना चाहिए। अब ये देखें हमारा पीटियो हट गया।